क्या आपको पता है कि नील नितिन मुकेश ने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया है और एक्सक्लूसिवली बन गए हैं फोटोग्राफर जूम के लिए। फिल्म आ देखे जरा में फोटोग्राफर बने नील अब रियल लाइफ में भी कर रहे हैं फोटोग्राफी। जूम के कॉन्टेस्ट विनर्स का पोर्टफोलियो शूट करना नील के लिए काफी यादगार एक्सपीरियंस रहा। ये हम एक कॉन्टेस्ट हम लोगों ने आ देखे जरा के लिए जो रखा था कि जो विजेता होंगे उनके पोर्टफोलियो मैं खींचूंगा। आई थिंक वी हैविंग अ ब्लास्ट। Zoom has organized it really well and we are on a roll right now. नील के लिए फोटोज खींचना यूं तो विनर्स के लिए किए गए उनके वादे को निभाना भर था, मगर ये फोटो शूट करते वक्त नील बन गए परफेक्ट फोटोग्राफर। इन विनर्स की आउटफिट से लेकर प्रॉप तक सब कुछ नील ने बड़ी बारीकी से तय किया। ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा लगना नहीं चाहिए कि क्योंकि एक वादा निभाना है बस आके यहाँ पे आदमी ने अपना चेहरा दिखा दिया और कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, भाई नील फिल्म आ देखे जरा के फोटोग्राफर के कैरेक्टर में इतने ढल चुके हैं। वैसे इस फिल्म के क्लाइमेक्स में कैमरे की बजाय नील के हाथों में आ जाती है एक टाइम मशीन, तो नील कहीं आप सीक्वल की फिराक में तो नहीं? आप कह सकते हैं कि सीक्वल के लिए स्कोप छोड़ा है। अब तक मेरी दोनों फिल्मों में एक सीक्वल का स्कोप है। पता नहीं आने वाले फिल्मों में वो स्कोप हो या ना हो, बट आई थिंक आ देखे जरा एज अ कॉन्सेप्चुअल फिल्म, और क्योंकि एक कॉन्सेप्चुअल फिल्म है और लोगों ने आज एक्सेप्ट की है फिल्म को, आ देखे जरा पार्ट टू हो सकती है जिसमें शायद एक टाइम मशीन हो। भाई नील, हम तो यही चाहेंगे कि आपकी फिल्म का सीक्वल जरूर बने। आखिर जिस परफेक्शन के साथ फोटोग्राफर बन आपने जूम के विनर्स की तस्वीरें खींची, क्या पता उसी परफेक्शन से आप इस सीक्वल के कॉन्टेस्ट विनर्स को भी वक्त से आगे ले जाएं। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई।